बीजेपी की निकली जन विश्वास यात्रा का आज शुक्रवार को बरेली में समापन हो गया। यात्रा के समापन से पहले भाजपाइयों ने बरेली में रोड शो का आयोजन किया है। इसमें शाम को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हो गए। वे सीधे कुतुबखाना पहुंचे और रोड शो में शामिल हुए। इससे पहले भाजपा के स्थानीय सांसद, विधायक और वरिष्ठ पदाधिकारी पहुंच चुके थे। रोड शो में अपार जनसमूह देखकर केंद्रीय गृह मंत्री काफी खुश हुए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रोड शो और जन विश्वास यात्रा के समापन के बाद रात में बरेली में ही प्रवास करेंगे। नरमू के केंद्रीय अध्यक्ष बनने के बाद बरेली आगमन पर बसंत चतुर्वेदी का जोरदार स्वागत। बरेली एनी रेलवे मजदूर यूनियन का 61वां वार्षिक अधिवेशन गोरखपुर में दिनांक 29 दिसंबर से 30 दिसंबर तक संपन्न हुआ, जिसका शुभारंभ वेबिनार के द्वारा ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के महामंत्री शिवगोपाल मिश्रा ने किया, जिसमें नरमू के 227 डेलीगेट्स ने अधिवेशन में हिस्सा लिया, जिसमें केंद्रीय अध्यक्ष बसंत चतुर्वेदी के संघर्षों को देखते हुए उन्हें लगातार 8वीं बार केंद्रीय अध्यक्ष चुना गया। देखिए कहना क्या है, तो संघर्ष का मार्ग है, जीवन पर्यंत संघर्ष किया। 14-15 साल में करीब डिवीजन सेक्रेटरी रहा अजय नगर डिवीजन का, और उसके बाद आप लोगों ने ही हमें अध्यक्ष के पद पर पहुंचाया। सेवानिवृत्त के बाद भी मैं आप लोगों की सेवाएं कर रहा हूं, और जब तक आप मुझे अवसर देते रहेंगे मैं आपकी सेवा करता हूं। साथियों, ये कोई ऐसा नहीं कि अध्यक्ष आपने आज ये माले जो जितनी माला पहनाई है उतने ही कांटों का ताज भी हमारे ऊपर है, क्योंकि जिम्मेदारियां भी उसी हिसाब से बढ़ जाती हैं। ये केवल माला ही नहीं है, ये हमारी जिम्मेदारियां भी हैं। ये जरूर देखने में अच्छी लगती है, लेकिन हम जानते हैं कि आज 5 दिन से घर से बाहर हैं, महीने में 20-22 दिन बाहर ही रहते हैं, आप लोगों के सुख दुख के लिए लगातार संघर्ष करते रहते हैं, चाहे यहाँ से हो चाहे बोर्ड से हो। तो इन तमाम चीज़ों को जो आज हासिल किया जा रहा है उन्हें बचाने की ज़रूरत है। अभी लंबी लड़ाई लड़नी है पेंशन के लिए, जो हमारी NPS की लड़ाई है, अभी लंबी लड़ाई लड़नी है निजीकरण के लिए, तो अपेंडिसों का अपॉइंटमेंट का मामला है। मिश्रा जी लगातार, शिवकुमार मिश्रा जी इस बारे में प्रयासरत हैं और कोशिश कर रहे हैं, और आज शायद उन्हीं की देन है कि सरकार हिम्मत नहीं कर पा रही है रेलवे को निजी हाथों में देने की, तो ये उन्हीं के ताकत का, ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन की ताकत है। मेरे मित्रों, इसको बचा के रखना है। ये रेलवे ही नहीं केवल हमारी माँ भी है, और इस माँ के आंचल पर दाग आएगा, हम लोग अपनी जानों की कुर्बानी दे देंगे, लेकिन इस पर कोई आंच नहीं आने देंगे। इंकलाब जिंदा।